जस्टिस एंड केयर द्वारा आयोजित इस समारोह में उपस्थित संचालक सुश्री जोईता अम्बेट, संस्था की पूरी टीम और इससे जुड़े हुए सभी महानुभाव देवी और सज्जनों, आपकी संस्था द्वारा जो इन बच्चियों के लिए विशेषकर फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से जो एक इनको ट्रेनिंग दी गई है उसका असर तो आज अभी हम सब लोगों ने देखा। इन बेटियों में जो कॉन्फिडेंस लेवल है दैट सीम्स टू बी ऑन द हाईएस्ट साइड। उनका सपना है, एक हमारी बच्ची वकील बनना चाहती है, एक ने कहा था शायद वो पुलिस में जाना चाहती। लोगों की सोच इस प्रकार की है, व्हाट एवर आई हैव फेस्ड लेट दी अदर गर्ल्स नीड नॉट। और ये जो उनकी भावना है, मुझे लगता है ये भावना का हमें जितनी भी हम तारीफ करें वो कम है। आज यहाँ आप सबके बीच में मुझे भी प्रसन्नता इन बच्चियों के हौसले को देख के हो रही है। प्रसन्नता इस बात की है कि आज का ये कार्यक्रम एक सराहनीय सामाजिक इनिशिएटिव है। ऐसे कार्यों से न केवल हम लोगों को प्रेरणा मिलती है बल्कि पूरे समाज को एक प्रेरणा मिलती है। संस्था की उपलब्धियों के लिए मैं जस्टिस एंड केयर से जुड़े हर व्यक्ति को, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी प्रकार की जो जिम्मेदारी निभा रहा है, मैं उनके लिए बधाई देता हूँ। आज हम सूचना क्रांति के उस दौर में हैं जहाँ सामाजिक बुराइयों पर खुलकर बातें होने लगी हैं। एक पिक्चर भी आई अक्षय कुमार की, वो भी इसी बात को लेकर के। लेकिन ये जो जिंदगी में बेटियों के साथ या महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ जो कुछ होता है जिसके बारे में हम शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो चीज़ें भी खुल कर के आने लगी। जो आपका फाउंडेशन कर रहा है, मुझे लगता है हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में शायद बहुत सी ऐसी बेटियां हैं जिनके साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, बोल नहीं पाती हैं, बोल चाहते हुए भी नहीं बोल पाती। समाज के बंधन है और हर जगह है, क्योंकि लोगों को लगता है उनके पेरेंट्स उसको दबा जाते हैं केवल इसलिए कि हमारी बेटी का भविष्य अंधकार में हो जाएगा, उनकी शादी नहीं हो पाएगी। जिनको पता है पता है, लेकिन उसको हम अपने आप क्यों बताएं। एक इस प्रकार की जो भावना लेकर के जब हम चलते हैं, लेकिन आज जो मैं जिस बात की प्रशंसा करना चाहता हूँ विशेष रूप से, कि कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी बहुत ज़रूरत है। हमारे साथ अन्याय होता है, उस अन्याय को यदि किसी ने किया है हमारे साथ में, मजबूरी में हमने सह लिया, लेकिन उस अन्याय के खिलाफ हमें बगावत करनी है, उस सोच को हमें आगे ले जाना, उसको दबाना नहीं है। अगर हम दबाएंगे तो ना जाने दोबारा फिर मेरे साथ वही बात हो सकती है, मेरी तमाम बहनें हैं बेटियां हैं उनके साथ में हो सकती हैं। कहीं ना कहीं ये जो हमारी सोच है उस सोच से हमें उबरना पड़ेगा। आज इन ऐसी सामाजिक बुराइयों पर हम लोग खुले में बात करने लगे हैं और सलाह मशवरा करते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी संस्थाएं आ रही हैं। अभी तो जो इस प्रकार की आप संस्था चलाती हैं, ये संस्था चलाने में लोग हिचकिचाते थे कि हम किसके पास जाएंगे,
क्या कहेंगे? क्या हम पूछेंगे किसी के पास जाकर के कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है? को आपका हिम्मत नहीं पड़ता था। लेकिन अभी जो आपने पहल की है, देश में कई संस्थाएं हैं, अच्छा काम कर रही हैं, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। कुछ ऐसी भी सामाजिक बुराइयां हैं जिन पर चर्चाएं कम होती हैं, और जिस प्रकार की आज हम चर्चा कर रहे हैं ये भी उसी प्रकार की एक बुराई है, मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये हमारे देश के लिए नहीं, दुनिया भर के लिए एक अभिशाप है, कर्स। मानव तस्करी जैसी अमानवीयता का शिकार वैसे तो लड़के लड़कियां दोनों ही होते हैं, लेकिन मानव तस्करी का दंश झेलने वाली कच्ची उम्र की बेटियों पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है और बड़ा भयावह होता है। हम कभी कल्पना कर सकते हैं कि एक बेटी कहीं पर भी हो, अगर अकेली होती है, उसको दो लड़के हों, एक लड़का हो, क्योंकि ये कुदरत की बात है कि कुछ मेल्स में कहते हैं वो फिजिकल दे आर मोर स्ट्रांग, और लेकिन बच्चियों को हमारा सोचना नहीं चाहिए, और ये कभी कभी हमारा संस्कार पड़ा हुआ है कि मेल्स आर मोर स्ट्रांग, ऐसा है नहीं। जितनी विल पावर और रेसिस्टेंस पावर जितनी फीमेल्स में होती है उतनी मेल्स में नहीं है। इन दैट वे मेल्स आर रादर वीकर देन फीमेल्स, लेकिन चूंकि हम सब लोगों के एक संस्कार पड़े हुए हैं इसलिए हम उसी संस्कार में बहते हुए चले जाते हैं। मानव संस्कार के तस्करों, मानव तस्करों के चंगुल में फंसकर ये ऐसी गहरी समस्याओं में उलझ जाती हैं जिनसे बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। मानव तस्करी कोई सामान्य अपराध नहीं है, ये संपूर्ण मानवता के विरुद्ध किए जाने वाला अपराध है। इसमें मानव जीवन का व्यापार होता है। मानव तस्कर कमजोर वर्गों को अपना लक्ष्य बनाते हैं जिनके पास ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते। ऊपर से देखने पर यह प्रतीत होता है कि इससे केवल एक जिंदगी प्रभावित होती है या फिर एक परिवार प्रभावित होता है, लेकिन हकीकत और कुछ है। हकीकत यह है कि सामाजिक इकाई का सदस्य होने के नाते मानव तस्करी की त्रासदी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सबको प्रभावित करती है। इट एडवर्सली एंड बैडली अफेक्ट्स द होल ह्यूमैनिटी। मुझे बताया गया है कि पिछले 3 वर्षों में मानव तस्करी के मामलों में 39% की बढ़ोतरी हुई है और दुनिया भर में 4 करोड़ से अधिक लोग इस अपराध से प्रभावित हुए हैं। विडंबना यह है कि समाज में इस अपराध और इसकी भयावहता के बारे में जानकारी कम है। प्रत्यक्ष रूप से इससे पीड़ित लोगों की संख्या इतनी बड़ी नहीं है कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए किसी सामाजिक पहल के साथ लोगों को जोड़ना आसान हो, लेकिन इस सामाजिक समस्या पर ठीक से ध्यान देना जरूरी है। इन परिस्थितियों में मुझे जब बताया गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अर्थात भारत सरकार ने मानव तस्करी निरोधक विधेयक 2018 को मंजूरी दी है, अन्य बातों के साथ साथ विधेयक में ये भी प्रावधान है किया गया है कि मानव तस्करी का अपराधी पाए जाने पर व्यक्ति को अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि पीड़ितों को 60 दिन के भीतर पूरी राहत मिले, इसके लिए एक कोष फंड का भी सृजन किया जाएगा जिसकी सहायता से पीड़ितों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाएंगे। विधेयक का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि मानव तस्करी से जुड़े मामलों के समाधान के लिए जिला स्तर पर विशेष अदालतें बनाई जाएंगी। मुझे विश्वास है कि विधेयक के पास होने से मानव तस्करी के खिलाफ काम कर रहे लोगों और संस्थाओं के हाथ और भी मजबूत होंगे।
जस्टिस एंड केयर मानव तस्करी जैसे जघन्य अपराध के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही है। संस्था ने अपनी लगन और मेहनत से पीड़ितों को समाज की मुख्य धारा में लाने में भी सफलता पाई है। मैं जस्टिस एंड केयर की टीम को फिर से बधाई देता हूं कि पिछले 10 सालों में उन्होंने मानव तस्करी की शिकार हुई लगभग 4500 से अधिक महिलाओं का पुनर्वास किया। मुझे बताया गया है कि ऐसी ही चार पीड़ित बेटियां, जो जिनका प्रेजेंटेशन, जिनकी बातों को हमने सुना, पीड़ित बेटियां या हम कहें सर्वाइवर्स, जिन्होंने एक बदलाव का संकल्प लिया है और जो कुछ उन्होंने कहा उससे जाहिर भी होता है, संभवतः इसीलिए उन्हें सर्वाइवर से भी बढ़कर चैंपियंस ऑफ चेंज का नाम दिया गया। हम सबको मिलकर ऐसे चैंपियंस ऑफ चेंज की संख्या और भी बढ़ानी होगी। भारत सरकार की कुछ इनिशिएटिव से भी मानव तस्करी के पीड़ितों की मदद हो रही है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया और मुद्रा योजना से उनके रोजगार और पुनर्वास में मदद मिलती है। देवी और सज्जनों, मानव तस्करी एक सामाजिक बुराई है। इसके समूल नाश के लिए पूरे समाज को एकजुट होना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि समाज में इस बुराई के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए, उनमें ये भाव भी जगाया जाए कि इस अपराध के पीड़ितों को परेशानी से निकालकर समाज की मुख्य धारा में लाना है। सर्वाइवर्स अच्छी तरह से तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब हम सब मिलकर उनके लिए उपयुक्त इकोसिस्टम तैयार करें। अपराधियों के दंड की व्यवस्था सरकार ने की है, हम सबको व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर जागरूकता पैदा करनी है और अच्छा वातावरण बनाना। इस संदर्भ में जस्टिस और केयर जैसी संस्थाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक बार मैं फिर उन्हें बधाई देता हूँ। वे भविष्य में भी अपने प्रयास जारी रखें और मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए प्रभावी कदम उठाते रहें। इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।